उमर, बेटा देखो, मेरे और तुम्हारी मामा के बीच में जो मामलात रहे हैं, उन हालात की वजह से तुम वक्त से पहले बहुत समझदार हो गए। मैं जो बातें तुमसे अभी करूंगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करूं, तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलने से रोकूं। तुम अगर चाहो तो उनके साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें अभी वहीं लेकर जा रहा हूं। नहीं बाबा प्लीज, मैं मामा के साथ नहीं रहूंगा। प्लीज मुझे वहां पे नहीं लेके जाए बाबा। बेटा तुम डर क्यों रहे हो? मामा है तुम्हारी, और अब तो उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया, तुम्हें देखेंगी तो खुश होंगी। मैंने कह दिया ना, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, फिर वापस ले लूंगा। आज नहीं बाबा प्लीज, आज नहीं। खोलो दरवाजा। तुम तो डाइन से भी बदतर हो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। जानती ने मुझे कैसे चला के दी। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे उस दिन तो तुम बच गई थी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जान से मार डालूंगी। खोलो दरवाजा। क्या नहीं खोलो दरवाजा? क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे तलाक दी ना, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे जानती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी जिद और आपकी अना ने हमें यहां तक पहुंचाया है। क्या समझ रहे हो तुम दोनों? कि तुम दोनों मुझे कमरे में कैद कर लोगे और मैं हो जाऊंगी? अभी तक छोटे हो तुम। क्या अच्छा है क्या बुरा है अभी तक नहीं मालूम। सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। अकल ही नहीं आई है तुम लोगों को। कब बड़े हो गए?
ठीक कह रही हैं आप, अगर अकल होती तो हमारे घर खराब ना होते। हाँ सर। आपी, आप कमरे में जाए। नहीं, मुझे आराम आराम ही करना। आपकी हालत खराब हो रही है, मेरी बात माने, कमरे में जाए आराम करें। हाँ हालत तो खराब हो रही है, पार्लर जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। मैं खुद आपको पार्लर लेके जाऊंगा, ठीक है? आप, मैं और हसन दोनों लेके जाएंगे। आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हाँ हसन, और आपको लेके चलते हैं, ठीक है? ठीक है। कमरे में जाए। She's not well. Anti-anxiety देनी पड़ेगी। नहीं भाई, जैसी आपी की हालत है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुमने नोटिस किया? ठीक है, अपॉइंटमेंट लो, फिर लेके चलते हैं। चलो रिलैक्स आओ। शुक्र है फर्मा की तबीयत ठीक हो गई। उसे स्ट्रेस से बचाने के लिए अभी डॉक्टर्स ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। आंटी फरवा सो गई है क्या? हाँ बेटा, सो रही है। प्रेगनेंसी में नींद की टैबलेट नहीं देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन को देखते हुए देनी पड़ी। आंटी आप टेंशन ना लें, फरवा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारी दुआएं भी फरवा के साथ हैं। बेटा मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब तक उसकी हालत ठीक नहीं होती तुम सब लोग यहां मत आओ। जैसे आपको ठीक लगे आंटी, लेकिन मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट, आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। जरूर बेटा। टीम है, मैं आपको और फरवा को यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। शाहिब समझने की कोशिश करो बेटा, वो स्ट्रेस में है। तो ठीक है, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। प्लीज आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दे। ठीक है बेटा। परेशान हो गया था आज उमर। बाहर को देखते ही सहम गया था, हाथ छुड़ाकर फौरन पीछे जाकर छुप गया था। कुछ दिनों के लिए स्कूल से ऑफ करवा लें उसका। हाँ, और फिर मुझे लगता है उसे कहीं हॉलीडे पर ले जाना चाहिए, थोड़ा जगह चेंज होगी, फ्रेश हो जाएगा। बहुत अपसेट है, करना पड़ेगा। हसन, अब क्यों आए हो यहाँ? उसे मिलना चाहता हूँ, उसे माफी मांगना चाहता हूँ। हसन अब ये सब करने का वक्त जा चुका है, ना ही फरवा तुमसे बात करेगी और ना ही तुम उससे माफी मांग सकोगे। प्लीज ऐसे मत कहो शाहिब, मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा, बस एक बार फरवा से मिलवा दो मुझे। जानते हो मैं इस वक्त यहाँ बाहर क्यों खड़ा हूँ? उससे मिलने को इनकार कर दिया है फरवा ने, मुझे यहां से चले जाने को कहा है उसने। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है, मैं यहां सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि मैं आंटी को यहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। फरवा को तो पता भी नहीं है मैं अभी भी घर पे हूं। अगर मैं
उससे मिले बगैर गया तो जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। प्लीज आखिरी बार सही, प्लीज मिलवा दो मुझे। देखो तुम्हारा इस वक्त मिलना बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, तुम ही बताओ क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो? नहीं। देखो सूरत हाल तुम्हारे सामने है, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा। तुम क्या फैसला लेना चाहते हो वो तुम्हारा कॉल है। तरह कमरे में बंद रहोगे तो मजीद बीमार हो जाओगे। वो जाने दे, मर जाने दे मुझे। अरे नहीं बेटा ऐसी बातें मत करो, क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहे हो हसन? अच्छा चलो अब बताओ मुझे क्या कहा पापा ने? क्या कहती? तो मिली नहीं हो वो तो मिलने ही नहीं जाती। भाई मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकूंगा उसके बगैर। जाके देखो कुछ करो मेरे बच्चे के लिए, बचा लो उसको बेटा। ऐसा करो कि मुझे फरवा के घर ले चलो, मैं उसके पांव पकड़ लूंगी, उसको घर वापस लेके आऊंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, बच्चे की खुशी के लिए जो भी चाहेगा मैं वो ही करूंगी। बस एक दफा मुझे ले चलो उसके घर। आप तसल्ली रखें मैं खुद जाऊंगा, आ जाएगी फरवा। भाई वाकई आप जाएंगे उसके पास? भाई प्लीज उसे ले आइए। फरवा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत इज्जत करती है, मैं कहूंगा तो मेरी बात नहीं टालेगी, तुम देख लेना। मम्मी हसन के लिए प्लीज कुछ खाने को लाए, आज मैं अपने भाई को अपने हाथों से खिलाऊंगा। ठीक है मैं अभी कुछ बनवा के लाती हूँ बच्चे के। और अगर उसके डॉक्टर ने अलाउ किया तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए दुबई चले जाओ, रेस्ट करो। चलो अब अपना हुलिया ठीक करो। शाबाश। मॉम आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। तुम किस लिए आए हो यहां पर? फरवा से बात करनी आती। वो तुम में से किसी से बात नहीं करना चाहती, चले जाओ यहां से। प्लीज आंटी मैं मिन्नत कर रहा हूं आपके। फरवा मेरी ना सही, भाई की बात सुन लो। मेरी बेटी की किसी ने कोई बात सुनी थी? और तुम्हें जिससे वो अपना बड़ा भाई समझती थी धुतकार दिया था ना उसको? मुझे माफ कर दे आंटी, फरवा जैसी बहन के साथ बहुत बुरा किया मैंने। फरवा मेरी बहन,
तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे दरवाजे तक आया, क्या अपने भाई की बात नहीं सुनोगे? हसन की कोई बात है तो मैं नहीं सुनूंगी। फरमा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। डैड को वापस ला सकते हो हसन? फरमा, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, उनकी ऐसी लिखी थी। मौत का वक्त मुकर्रर है भाई, कि जिस अज़ियत में मेरे डैड गए हैं मैं जानती हूँ। शख्स ने बदतरीन सुलूक किया मेरे साथ, मुझ पर इल्जाम लगाया, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, और तो मेरे डैड भी इसकी वजह से। डैड की मौत के बाद भी ये नहीं बदला, जिद पर अड़ा रहा। टेस्ट करवाने की जिद तुम्हारी ही थी ना सर? हो गए टेस्ट। परवा, मैंने जो जिद करके गलती की थी ना, अब वही गलती तुम दोहरा रही हो। मैं अपनी कोई गलती नहीं दोहरा रही हसन, गलती तो मैंने आप ही से मिलने के बाद तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके किया। आप ही ने जो किया उसकी सजा आप ही को मिल रही है। कयामत टूटी हमारे घर पर। मत अपने घर के अहवाल सुनाओ मुझे, मुझे ना तुमसे दिलचस्पी ना तुम्हारे घर वालों से। चले जाओ यहां से। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा हसन। तुम माफ कर दोगी तो वो भी कर देगा। फरवा, बस एक बार मेरे कहने पे वापस चलो। कसम खाता हूं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, घर पे तुम्हें सब सराखों पे बिठा के रखेंगे। सब मान जाओ। परवा, हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। सिर्फ मेरा बच्चा है। परवा, आज तुम मुझे कुछ भी कहो, कितना ही बुरा सलूक करो मेरे साथ, लेकिन मैं आज तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम मेरी बहन को इसकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं लेके जा सकते। कल खुलानामा बनवाकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, साइन कर देना। अब निकलो यहां से। लेके गौर के कमरे में गई तो मैंने देखा वो कमरे में नहीं है। मैंने इधर उधर हर जगह देखा लेकिन कहीं भी नहीं है। तो पता करो कहाँ गई है मेरे बच्चे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? जैकेट तो रखनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो सर्दी होगी। उमर भाई, अपने गेम्स बताओ कौन से रखने। गेम्स क्यों रखने जाएंगे, हम वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, गेम्स खेलने नहीं जा रहे। हाँ ये बात भी ठीक, चलो सही है। मुझे लग रहा है ये बैग ज्यादा भर गया है, अब बंद नहीं होगा। ऐसे नहीं ऐसे होगा, आराम से तोड़ना नहीं। अरे वाह, थैंक यू, गुड बॉय। अब इसको नीचे रख, इसको भी बैग को नीचे रख। जैसे इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए थी।
जानता भी था फरवा ऐसी नहीं है, फिर भी उस पर इल्जाम लगाया और गलती पर गलती करता चला गया। ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने तो कई बार तुम्हें समझाना चाहा, लेकिन मैं आप समझाती भी तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सच नजर नहीं आ रहा था मुझे। दिमाग माउफ हो गया था मेरा, अपने बच्चे तक के बारे में नहीं सोचा मैंने। मैं तुम्हें सिर्फ यही कह सकता हूं कि सबर करो, करना पड़ेगा। अच्छा हुआ फरवा नहीं है, क्योंकि नाइम है एक अच्छा शौहर साबित हुआ और शायद ना ही एक अच्छा बाप बनता। मुझे पता है वो बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करेगी, एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगी उसको। आ गए तुम लोग? फरवा कहाँ है? कहाँ है फरवा? अब अगर वो इस घर में आई ना तो उसको मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगी वो, समझे तुम लोग? समझे? फरवा नहीं आई। फरवा, उसने इन दोनों की बेइज्जती की है और बेइज्जती कर दी, ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बड़ा जा रहे थे ना तुम लोग उसको लेने, बहुत अच्छा किया उसने बेइज्जती की और नहीं आई। अब बुलाऊंगी मैं उसे और अपनी मर्जी से उसकी जिंदगी गुजरवाऊंगी। फरवा कहाँ है फरवा? अरे तुम फिर आ गई? अरे मैंने तो तुम्हें मार डाला था, जा यहाँ से, जा। अरे तुम सुनती क्यों नहीं है बात मेरी? अरे अब तुम, मैं तेरा गला तक बांधूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जा यहाँ से, चली जा। मर जा तू, मैं तुझे जुदरी आएगी, मैं तुझे मार डालूंगी, जागी आएगा, मैं जागी को मार डालूंगी, छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं जागी को छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैंने रावी को मार डाला, दोबारा आ गई थी वापस, मैंने इसको दोबारा मार डाला और अभी जहांगीर आएगा ना, मैं जहांगीर को भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? ये देखें, ये रावी की लाश रह रही है, ये रावी की लाश रह रही है, और इसी तरह अभी जहांगीर आएगा ना, मैं उसे भी मार डालूंगी, उसकी लाश भी इसी तरह तैर रही होगी। आप हसन और साकिब को भी बता दे, उनको भी बता दे कि मैंने राबी को मार डाला है और अभी जहांगीर आएगा ना, कैसे मार डालूंगी, कैसे मार डालूंगी। वो मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चे के लिए बार बार यहाँ आता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक डिस्टर्ब सी जिंदगी गुजारे, इसलिए मैंने और मॉम ने यही फैसला किया कुछ दिन पहले। वैसे आपके कुछ रिश्तेदार लंदन में भी है ना? काफी ज्यादा है, फरवा के मामू है वहाँ पे, सारे अरेंजमेंट कर दिए मैंने। और अंकल का ऑफिस?
हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे एक वीक के बाद हमारे कजन आएंगे यहाँ, कुछ फाइंड अप कर देंगे। हाँ इसमें तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी तो जरा वक्त निकाल लेना। खुशी खुशी, लेकिन मुझे और खुशी होती है अगर अगर आप मेरी शादी पर रुक सकती तो। तुम फिक्र मत करो, मैं और मॉम दोनों वीडियो कॉल पर तुम्हारे साथ होंगे। काश मैंने वो सब ना किया होता जो मुझसे हो गया। कितनी बड़ी सजा मिली है फरवा को मेरी गलतियों की। हमें नहीं पता कि उसकी सजा है या इसमें उसकी भलाई। हसन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। फरवा बहुत प्यार करती थी हसन से और हसन भी फरवा से बहुत मोहब्बत करता था। हो सकता है हसन से ज्यादा प्यार करने वाला उसका मुंतजिर। मुझे इस बात पर ईमान है अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत अच्छा करता है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। पता नहीं फरवा ने मुझे माफ किया भी है या बस शाहजेद के कहने पर मेरा दिल रख लिया। रमशा वो दोस्त है तुम्हारी, मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत साफ, वो जो कहती है वही उसके दिल में होता है। ऐसा ही है शायद। बस जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, शाहजेब के साथ तुम्हें बहुत मोहब्बत से रहना, जो हो गया उससे सबक सीखो, जिंदगी में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे। गलती तो मैं कभी नहीं करूंगी लेकिन शायद सारी जिंदगी मैं इस गिल्ट से ना निकल सकूं। क्या समझते हैं सब? मैं क्या हार गई हूँ? मैं नहीं हार सकती, और नहीं हार सकती किसी से। इस राबी को तो मैं दोबारा मार डालूंगी। ये मेरे सामने दोबारा आई, मैं इसे दोबारा मार डालूंगी। मैं नहीं हार सकती किसी से, मैं नहीं हार सकती, मैं नहीं हार सकती, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हट जा मेरे सामने से, हट जा, हट जा, हट जा। सबको मार दूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। ए, हटो, हटे सामने से, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे सामने तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, हट सामने से, हट सामने से, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं। बेटा मैं नाश्ता लेके गौर के कमरे में गई तो मैंने देखा वो कमरे में नहीं है। मैंने इधर उधर हर जगह देखा लेकिन कहीं भी नहीं है, तो पता करो कहाँ गई है मेरी बच्ची। जहांगीर के यहाँ तो नहीं गई? बाहर गाड़ी खड़ी है। हाँ गाड़ी बाहर खड़ी हुई है लेकिन वो मेरा ख्याल है पैदल ही कहीं निकल गई है। देखो अच्छा आप परेशान मत हो, तुम मम्मी के साथ रहो, मैं चेंज करके ढूंढने जाता हूँ, तुम फोन पे मेरे साथ रابطے में रहना प्लीज। हाँ आप बैठे आराम करें। हेलो हाँ जहांगीर साकिब बोल रहा हूँ, आप ही आई हैं यहाँ? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ गई होंगी?
जी भाई, आप ही मिल गई? जहांगीर लोग तो शहर से बाहर गए हुए हैं यार। कहाँ चली गई हैं आप ही? कुछ समझ में नहीं आ रहा हसन। भाई कहीं फरवा के घर तो नहीं पहुंच गई आप ही? तुम रुको, मैं खुद फरवा से पूछता हूँ। तुम ऐसा करो, तैयार हो के जैसे ही घर से निकलो मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है भाई, मैं निकल रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी गौर। पागलों जैसी हालत हो रही थी उसकी। रात को इतनी मुश्किलों से मैंने उसको सुलाया था। सुबह उठी तो देखा खुद ही कहीं बाहर निकल गई है बगैर बताए। जान, किसी औरत को देखा है वॉक करते हुए? या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे जिंदगी देना, उसे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। बस किसी तरह भी वो खैरियत से घर आ जाए। मेरी दुआ कबूल फरमाए अल्लाह मियां जी। क्या वहां पे मिल गया फरवा के घर? देखा ना फरवा की अम्मी फोन उठा रही और ना ही फरवा, सईद से बात हुई थी। हसन, एआईजी साहब के पास चलते हैं, मैं गाड़ी घुमाता हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, हसन की जिंदगी भी तबाह करके रख दी उसने। 1.5 साल हो गया है, कुछ पता नहीं है जिंदा भी है या मर गई। अम्मी वो बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी दुआएं होंगी उनके साथ, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। हसन से बात की तुम शादी के बारे में? मैं उनसे बात तो की थी लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि मैं इस मौजू पर उनसे बात ना करूं। लेकिन वो एक ना एक दिन इस चीज के लिए मान जाएंगे। जानती हूँ हसन अपनी जिद का बहुत पक्का है, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। बस अपने बच्चे और फरवा की याद में तड़पता रहेगा इसी तरह। उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा? मैंने कुछ नहीं होगा।
अंदर चलते। भाई आपको पता है मेरी बेटी आज 1 साल की हो गई। आज उसकी पहली सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे माय बेबी, हैप्पी बर्थडे माय बेबी। कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं, एक बार भी अपनी बेटी को नहीं देखा मैंने, एक बार भी मेरी गोद में नहीं खेली। औलाद होने के बावजूद भी बे औलाद हूं। बदकिस्मत ना मुराद। नाम तक नहीं पता मुझे अपनी बेटी का। अल्लाह पे भरोसा रखना, बस अल्लाह पे भरोसा।